सो हे गाइज, इन आज की ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं पोको की तरफ से आने वाले दो नए बीस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के बीच में। जी गाइज, आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं पोको X3 प्रो वर्सेस पोको F3 के बीच में, और जानेंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको गेमिंग के लिए कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी रहेगा और कौन सा स्मार्टफोन आपको बेहतर गेमिंग जो है वो प्रोवाइड करके दे देगा। तो इसी कारण से वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों के स्पेसिफिकेशन को। मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने साइड बाय साइड इसको कंपेयर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं कुछ हाईलाइटेड पार्ट के बारे में बता दूं आपको कि यार कौन सा स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन के मामले में विनर निकल के आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार क्लियरली विनर निकल के आता है पोको का F3। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है E4 AMOLED डिस्प्ले विथ 120 हर्ट्ज के रिफ्रेशिंग रेट के साथ में, जहाँ पे आपको पोको X3 प्रो में देखने को मिलता है IPS डिस्प्ले विथ 120 हर्ट्ज के रिफ्रेशिंग रेट के साथ में। दोनों में ही यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी में निकल के आता है पोको F3। और टच सैम्पलिंग रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है आपको पोको F3 में, एंड पोको X3 प्रो में आपको देखने को मिलता है 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। तो टच सैम्पलिंग रेट के मामले में भी क्लियरली उन्हें निकल के आता है पोको F3। बात करते हैं रैम और रोम के बारे में, तो LPDDR4X रैम आपको देखने को मिलती है पोको X3 प्रो में, एंड LPDDR5 रैम देखने को मिलती है आपको पोको F3 में। दोनों में ही यहाँ पे आपको UFS 3.1 रोम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, दोनों में ही यहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग 1.0 देखने को मिल जाएगा, दोनों में ही यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और दोनों का जो जायरोस्कोप है उसमें भी आपको कोई भी डिले देखने को नहीं मिलता है। दोनों में आपको HDR10+ का भी सपोर्ट दिया गया, लेकिन यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे पोको X3 प्रो में आपको देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन। जी गाइस, पोको X3 प्रो में आपको देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन, एंड आपको पोको F3 में देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। तो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन में क्लियरली मैंने निकल के आता है पोको X3 प्रो, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतर गोरिल्ला ग्लास देखने को मिल जाएगा। दोनों में ही यहाँ पे आपको वाइल्ड वन L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, एंड बात कर लेते हैं दोनों के मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट के बारे में, जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर। जी गाइस, यहाँ पे आपको पोको F3 में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 870 चिपसेट, जो कि एक डुअल 5G चिपसेट है और 7nm फैब्रिकेशन वाला चिपसेट है। वही दूसरी ओर बात करते हैं पोको X3 प्रो के बारे में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का ब्रांड न्यू प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 860 चिपसेट, जो कि अगेन 7nm फैब्रिकेशन वाला प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ये जो चिपसेट है वो एक 4G चिपसेट है। और दोनों के अंतुति स्कोर की बात करते तो यहाँ पे दोनों में ही यहाँ पे आपको 48 से 50,000 अंतुति स्कोर का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे स्लाइटली आगे निकल के आता है पोको F3, क्योंकि वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 870 चिपसेट देखने को मिलता है, और उसका जो अंतुति स्कोर निकल के आता है वो लगभग 6,41,000 के ऊपर का निकल के आता है। लेकिन वही पोको X3 प्रो में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 860 चिपसेट, इसका अंतुति स्कोर निकल के आता है 4,91,000 के ऊपर। लेकिन गाइस, मैं बता दूं कि यार स्नैपड्रैगन का 860 जो प्रोसेसर है वो बेसिकली वो जो प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन के 855 प्लस से बेहतर, एंड स्नैपड्रैगन का 865 प्लस से थोड़ा कम बेहतर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि उन दोनों के बीच में जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वही सेम परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड करके दे देगा। और स्नैपड्रैगन 860 एंड स्नैपड्रैगन 870 दोनों में आपको बहुत ही ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, 48 से 50,000 अंतुति स्कोर बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है, सिमिलरली आपको दोनों में ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि हम सभी को पता है कि यार अंतुति स्कोर अलग कहते हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस अलग कहती है। अब लेटेस्ट है तो इसमें इफिशियंसी कोर यानी आपको जो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है वो थोड़ी हाई देखने को मिलती है। बाकी देखा जाए तो थियोरेटिकली दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही तगड़े निकल के आते हैं। दोनों की प्राइसिंग की बात करते हैं तो दोनों की मैं अर्ली प्राइस के बारे में बता दूं, यानी कि अगर ये ग्लोबली लॉन्च होगी तो ग्लोबली सेल में इसकी जो प्राइस रखी गई है तो पोको F3 आपको लिटरली देखने को मिल जाएगा 25,000 तक, एंड आपको पोको X3 प्रो देखने को मिल जाएगा 17,000 तक। तो इन दोनों में आपको 8,000 या 9,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई गेमिंग के लिए स्पेशली फॉर गेमिंग कौन सा स्मार्टफोन हमें बाय करना चाहिए। तो लिटरली इस थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन को रखते हैं साइड पे, आते हैं हमारे एक्चुअल गेमिंग रिव्यू पे। तो हम इन दोनों में टेस्ट करने वाले PUBG मोबाइल को, और दोनों में जो बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स देखने को मिलेगी वो दोनों में ही देखने को मिल जाएगी स्मूथ में एक्सट्रीम। जी आगे, इस दोनों में 90fps अभी फिलहाल सपोर्टेबल नहीं है, लेकिन दोनों में ही आपको अपडेट के द्वारा बहुत ही जल्दी 90fps सपोर्टेबल देखने को मिल जाएगा। एंड हाईएस्ट ग्राफिक्स की बात करते हैं तो आपको दोनों में ही बैलेंस में भी एक्सट्रीम, HD में एक्सट्रीम, HDR में भी आप दोनों में ही एक्सट्रीम ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाएंगे, एंड अल्ट्रा HD में आप अल्ट्रा ग्राफिक्स में दोनों में ही गेम प्ले कर पाएंगे। दोनों में ही आपको सिमिलरली ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी, लेकिन परफॉर्मेंस किसमें आपको अच्छी देखने को मिलेगी ये जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो गाइस, मैं बता दूं कि इन दोनों की परफॉर्मेंस में आपको लिटरली कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जी गाइस, आपने सही सुना कि आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। सपोज टू बी अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो अगर पोको F3 स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट के साथ में अगर 60fps में आपको 50Hz लेकर 60fps प्रोवाइड करके देता है एनी हाउ कंडीशन एनी इंटेंस सिचुएशन, तो वहीं पे आपको पोको X3 प्रो जहां पे आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 860 चिपसेट, तो वहां पे आपको 57 से लेकर वो 60fps प्रोवाइड करके दे देगा एनी हाउ कंडीशन एनी इंटेंस सिचुएशन। तो यहां पे आपको बहुत ही माइनट से मिलीसेकंड का फर्क देखने को मिल जाएगा इन दोनों के बीच में। लिटरली आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे कि यार कौन सा स्मार्टफोन बेहतर है और कौन सा स्मार्टफोन बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर कहूँ तो यार स्नैपड्रैगन का 870 चिपसेट थोड़ा आगे निकल के आता ही है, लेकिन इन दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको लिटरली
इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस दिखेगा ही नहीं। एंड बात करते हैं हीटिंग के बारे में, तो हम सभी को पता है कि स्नैपड्रैगन के चिपसेट उतने ज्यादा हीट होते ही नहीं है। अभी गर्मी का सीजन है तो यहाँ पे आपको थोड़ी हीटिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी ओवरहीटिंग वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। तो आ जाते हमारे कंक्लूजन के ऊपर, तो भाई इन दोनों में बेहतर गेमिंग स्मार्टफोन कौन सा होने वाला है और हमें कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। तो देखो यार, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक फ्यूचरिस्टिक फोन चाहिए यानी कि जिसमें 5G की कनेक्टिविटी हो और आपको उसमें LPDDR और 4 RAM देखने को मिले, और ऊपर से अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको डिस्प्ले में थोड़ा एडवांटेज AMOLED वाला डिस्प्ले देखने को मिले, तो आप डेफिनेटली पोको F3 को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ गेमिंग है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप पोको F3 प्रो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यार वो कम प्राइस में आपको बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करके देता है। हालांकि आपको थोड़ा डिस्प्ले में, टच सैम्पलिंग रेट में, रैम में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी गाइस, आपसे भी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेहतर लगा और कौन सा स्मार्टफोन आप बाय करना चाहोगे। और गाइस, इस वीडियो को लाइक एवं रखते हैं हम 10 लाइक, देखते हैं कि आप कितने जल्दी इसे पूरा करते हैं। और हाँ, नए आ गए तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।